हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ हिस्ट्री चैप्टर फाइव रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं टेंपल्स कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग्स, टेंपल्स, मॉस्क्यूज एंड टैंक्स, किस तरीके से जो एम्परर थे वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे और उनका मेन मोटिव क्या था इनको कंस्ट्रक्ट करने का। Temples and mosques were beautifully constructed because they were place of worship. मॉस्क्यू हो या टेम्पल्स हो, क्योंकि अर्ली टाइम पीरियड्स में जिस तरीके से जो हिंदू रूलर्स थे उन्होंने टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करे थे, आफ्टर दैट दिल्ली सल्तनत का जो टाइम था जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने मॉस्क्यूज कंस्ट्रक्ट करी, ये ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड था अपने टाइम पीरियड में और मेन पर्पस था कि ये प्लेसेस जो है वॉरशिप के लिए हैं, यानी टारगेट करते हैं कि हम दिखाते हैं कि किस तरीके से वॉरशिप करते हैं और टेंपल शो करता है प्लेसेस ऑफ वॉरशिप। एंड दे वर ऑल्सो मीन टू डिमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशंस ऑफ द पैट्रन, यानी वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे जो भी रूलर्स थे कि उनके पास कितना धन है या पावर है या वो कितनी भक्ति करते हैं, किंग जो हैं वो किस तरीके से अपना एक डिवोशन पर्पस दिखाते हैं गॉड के लिए और अपना भावना दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये अपने आप में ही क्या था, एक डिमोनस्ट्रेट था जिसको कह सकते हैं कि भक्ति भाव का प्रदर्शन करना। एंड आफ्टर दैट टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजेश्वरा टेम्पल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उनके इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि जो राजा देवा थे उन्होंने इसको बनवाया एंड वॉरशिप ऑफ हिज गॉड, और उसमें उन्होंने जो गॉड को एस्टैब्लिश किया वो राजा राजेश्वरम थे, यानी शिव थे, और शिव की पूजा करी और उनके लिए जो टेम्पल बनवाया उन्हीं के नेम पे, उन्हीं के जैसा अपना नेम टारगेट करने का मेन पर्पस था कि अपने आप को डेलिकेट करना कि हम क्या हैं, शैडो ऑफ द गॉड हैं, भगवान से ही हम रिलेटेड करते हैं, और अपने आप को जनता के सामने सुपीरियर दिखाना। नोटिस हाउ द नेम, आप यहाँ पे नेम को नोटिस कर सकते हैं किस तरीके से जो किंग होते थे एम्परर अपने नेम सिमिलर टू गॉड रखा करते थे। ऑफ द रूलर एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर, ताकि गॉड और रूलर्स जो हैं सेम प्रोनंसिएशन हो, सेम दिखाई दें। एंड द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट ऑस्पिशियस एंड ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक अ गॉड, यानी ये जो अपने आप में ही लग रहा था जैसे बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है और बिल्कुल अपने आप को रिप्रेजेंट करना गॉड, इसीलिए राजा गॉड के नेम पे ही अपने नेम रखने लगे। एंड थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वॉरशिप टेम्पल्स वन गॉड, और जिस तरीके से ये रीति रिवाज किया करते थे वॉरशिप के टेम्पल्स के अंदर गॉड के लिए, तो ऐसा लगता था कि एक भगवान दूसरे भगवान की पूजा कर रहा है, यानी एक भगवान हो गया किंग, यानी खुद ने अपना नाम राजे जैसे कि राजा राजा देवा रखा है, और दूसरे भगवान का नाम क्या है, राजा राजेश्वरम यानी शिव हैं, शिव का वो टेम्पल है, तो एक भगवान दूसरे भगवान की पूजा कर रहा है, दैट इज़ द ऑनर अपीयर्ड लाइक अ गॉड, तो ये वो शो करने की कोशिश किया करते थे। एंड द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर्क ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग्स, ये जो टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड किए जा रहे थे सभी किंग्स के द्वारा किए जा रहे थे, और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करने का मतलब यही था। एंड अदर लेसर डेटीज इन द टेम्पल वर गॉड्स एंड गॉडेस ऑफ द एलाइज, और जो छोटे छोटे देवी देवता होते थे टेम्पल्स के अंदर वो राजा के जो सुबोर्डिनेट्स और एलाइज होते थे, जो राजा को सपोर्ट करते थे उनको रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि मेन शिवा हो गए, शिवा के जो छोटे छोटे उनके सपोर्टर या सुबोर्डिनेट गॉड हो गए, तो सेम ऐसे ही टेम्पल के अंदर जो स्मॉल्स या लेसर डेटीज को एस्टैब्लिश किया जाता था उनको कंपेयर किया जाता था राजा के जो एलाइज हैं, सुबोर्डिनेट्स हैं, जो राजा के साथ काम करते हैं, तो वो जो छोटे छोटे देवी देवता हैं, जो अदर्स हैं, जो दूसरी मूर्तियाँ रखी गई हैं टेम्पल्स में, वो उनको रिप्रेजेंट करती हैं। एंड ये सारा कुछ जो दिखाई दे रहा था, टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक ऐसा सिस्टम दिखाई दे रहा था, एक छोटा सा मॉडल टेम्पल के अंदर दिखाया जा रहा था, किंग और उसके जो एलाइज थे यानी जो उसके सपोर्टर्स थे वो सारे के सारे क्या हैं,
वो एक टेम्पल के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वी आर द गॉड एंड जो भी सारा सिस्टम है हमसे ही शुरू होता है। एज दे वॉरशिप दियर डेटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल्स, वो एक साथ भगवान की पूजा करते थे। एंड इट सीम एज इफ दे ब्रॉड द जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स एंड अर्थ ऑन अर्थ, और ऐसे दिखाने की कोशिश करते थे जैसे वो भगवान को अर्थ पे ही ले आए हैं एंड खुद जो वो हैं गॉड हैं और वो खुद जो रूल कर रहे हैं, दैट मींस रूल ऑफ द गॉड ऑन अर्थ, यानी ये सीधा दिखाया जा रहा है कि गॉड के द्वारा ही रूल हो रहा है अर्थ पे। ये तो था हिंदू के टेम्पल्स के टाइम पे जो जिस तरीके से चल रहा था। सेम एज अ मुस्लिम जो सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, जब हिंदू रूलर के बाद में रूल करा इन्होंने, तो उन्होंने भी मॉस्क्यू बनाने स्टार्ट करी। तो ये जो मुस्लिम सुल्तान थे या पाशाह थे, यानी पाशाह यानी जो लाइक अ रूलर हैं, डिड नॉट क्लेम टू बी अ इनकारनेशन। तो ये अपने आप को अवतार तो नहीं बताते थे कि हम भगवान का अवतार हैं, लाइक अ जो हिंदू किंग थे एम्परर थे वो अपने आप को क्या कह रहे थे, वो तो जस्ट अपने आप को गॉड ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट ये कहते हैं कि हम गॉड नहीं हैं। बट पेरिशियन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शेडो ऑफ द गॉड, लेकिन ये क्रॉनिकल से पता चलता है कि उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है सुल्तान अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान की एक छाया हैं। इंस्क्रिप्शन इन द कुआत एल इस्लाम मॉस्क्यू से पता चलता है, जो कि फर्स्ट मॉस्क्यू थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। एंड एक्सप्लेन द गॉड चूज अलाउद्दीन एज अ किंग, और वो बताते हैं कि किस तरीके से जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, भगवान ने उनको चुना है हमारे लिए, एंड बिकॉज ही हैड द क्वालिटी ऑफ मूसा एंड यानी मोसिस एंड सोलोमोन, मीन्स जो ये दो पर्सन थे सुलेमान और मूसा, दो एक ऐसे ग्रेटेस्ट पर्सन थे अपने टाइम पीरियड्स में। उनके पास जो क्वालिटीज़ थी लाइक अ गॉड, क्योंकि इन्होंने बहुत महान वर्क करे थे। जो सुलेमान है उनको कहा जाता है वो विजडम थे, यानी उनसे ज़्यादा शायद ही कोई समझदार हो। इसी तरीके से जो यहाँ पे थे मूसा, उनको भी माना जाता है कि किस तरीके से उन्होंने जो इज़राइल थे और इजिप्ट में से उनको किस तरीके से फ्री कराया, तो ऐसा उनको पैगंबर माना जाता है, प्रॉम्फेट माना जाता है, अपना मेन भगवान माना जाता है। तो ये दो पर्सन अपने टाइम पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं क्वालिटी वाइज महान आत्माएं थी। तो अलाउद्दीन खलजी को इन दोनों से कंपेयर करते हुए बताया जाता है कि इन दोनों की क्वालिटी क्योंकि अलाउद्दीन में थी, तो इसलिए भगवान ने इनको चुना है हमारा गॉड। एंड द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट के अंदर जो ये पर्सन थे उनके अंदर जो क्वालिटी थी वही इनके अंदर नज़र आ रही है। एंड ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज अ गॉड हिमसेल्फ, हम मानते हैं सबसे बड़ा भगवान खुद एक आर्किटेक्टर है और खुद ने ही ये सब संसार बनाया है। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ क्योस एंड, यानी जिस तरीके से उसने डिसऑर्डर होने से बचाया है, उस जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करा है एक व्यवस्था को, या हम कह सकते हैं गॉड ने एक संतुलन बनाया है, ठीक है। तो ये सब वर्ल्ड बनाया है और असंतुलन को यानी अव्यवस्था को दूर रखा है, तो ये सारा क्रिएशंस गॉड का है। तो ये सारा क्रिएशन अगर गॉड का है, तो वो कहते हैं कि इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी को भी उन्होंने चुना है। तो ये सब चुनने का रीज़न ही है, भगवान ने उनको चुना है। तो मुस्लिम जो सुल्तान थे वो अपने आप को क्लेम क्या करते हैं, इनकारनेशन तो नहीं कहते बट कहते हैं शेडो ऑफ द गॉड। तो हिंदू में और जो मुस्लिम सुल्तान थे दोनों में बस ये डिफरेंस था, अदरवाइज टेम्पल्स या मॉस्क्यू तो क्रिएट की ही जा रही थी ताकि अपने आप को क्या करें, शो ऑफ करें कि वी आर द सुपीरियर। जैसे कि जामी मस्जिद है बिल्ट बाय द शाहजहाँ ने बनाई थी, तो हीज न्यू कैपिटल जो थी शाहजहाँबाद में, जो उन्होंने शिफ्ट करी थी और जो बनाई थी उस टाइम पे, तो वो सारी जो मॉस्क्यू थी या उसको कंस्ट्रक्ट करने का मेन यही पर्पस था कि हम किस तरीके से गॉड के ही शेडो हैं। ऐसे ही टाइम बीतता चला गया एंड आफ्टर दैट न्यू डायनेस्टीज पावर में आ रही थी एंड किंग चाहते थे कि हमें मोरलाइज राइट मिले टू बी आर रूलर्स, यानी इम्फेसाइज कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा कि हमें एक्सेप्ट करें एज अ रूलर और हम सब
आप पे रूल करें, जनता पे जरूरत से ज़्यादा एम्फेसाइज करना कि हमारे पास पावर है, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वॉरशिप प्रोवाइड रूलर्स विद द चांस टू द प्रोक्लेम दियर क्लोज रिलेशन विद द गॉड। और जिस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे प्लेसेस ऑफ वॉरशिप, तो ये एक कह सकते हैं शो ऑफ करना के रूलर्स जो है वो क्या है, वो अपने आप को ही एक घोषणा कर रहे हैं कि उनका भगवान से ज़्यादा क्लोज रिलेशन है। वो ये इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे डायनेस्टीज बन रही थी, राजा जो हैं वो पावर में आ रहे थे, तो वो कहते हैं कि टू बी अ रूलर्स, हमारा जो रूलर्स बनने का राइट है वो करेक्ट है और आप सबको मानना पड़ेगा, स्पेशली इंपॉर्टेंट टू एन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज। और जिस तरीके से बहुत तेज़ी से पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, उसमें ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था टेम्पल, क्योंकि टेम्पल सीधा सीधा डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली लोगों के माइंड में इम्पैक्ट डाल रहा था कि ये राजा हमारे फेवर में हैं, कितना हमारे लिए अच्छा वर्क कर रहे हैं। ये एक ट्रिक थी, एंड रूलर्स ऑल्सो ऑफर पैट्रोनेज टू द लर्न एंड पॉइज एंड ट्राई टू द ट्रांसफ़र देयर कैपिटल्स एंड सिटीज इन टू अ ग्रेट कल्चर सेंटर दैट द ब्रॉड फेम टू द देयर रूलर एंड देयर रेलम। रेलम यानी किंगडम, यानी जो लर्न एंड पॉइज पर्सन थे, यानी जो ज्ञानवान, जो बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, या लर्न थे यानी जिसको हम कह सकते हैं बहुत नॉलेज थी, और जो बहुत विद्वान थे, तो उनको उन्होंने पैट्रोनेज देना शुरू कर दी कि आप हमारे साथ रहो। क्योंकि क्या होता है कि जो बहुत महान और जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी होती हैं, अगर वो राजा के साथ रहेंगे तो जनता भी क्या है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देगी कि भाई हाँ, राजा के साथ अगर इतना नॉलेजेबल पर्सन है, विद्वान है, इतने बड़े गुरु अगर उनके साथ हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। तो उससे उनकी वेटेज और फेम बढ़ जाता था। तो इसीलिए जो पॉइस पर्सन थे, जो ज्ञानवान नॉलेजेबल पर्सन थे, और जो लर्न यानी विद्वान थे, तो उनको उन्होंने रूलर्स ने पैट्रोनेज देना शुरू कर दी कि हम आपके हर ज़रूरत का ध्यान रखेंगे, हम आपके संरक्षण करेंगे, लेकिन आपको हमारे साथ रहना है, जिससे कि एक रूलर्स की वैल्यू बढ़े। एंड ये कोशिश करी जा रही थी उनके जो सिटीज़ थी और जो उनके कैपिटल्स थी, ताकि वहाँ पे जो मेन कल्चर का जो सेंटर था वो बने और वो फेम लेकर आए रूलर्स के लिए और उनके किंगडम्स के लिए, और उनको और भी ज़्यादा वैल्यू मिले। तो ये सारा एक सिस्टम चल रहा था अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस देने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े कल्चर सेंटर्स होंगे, ग्रेटेस्ट सेंटर्स होंगे सिटीज़ और कैपिटल में उनके, क्योंकि वो उस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे थे फेमिंग के लिए। तो ये उनकी वैल्यू को बढ़ाता है रूलर्स की। एक और काम करना स्टार्ट उन्होंने करा, इट वॉज द वाइडली बिलीव दैट द रूलर्स ऑफ जस्ट अ किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लंटी वैन द हेवेंस वुड नॉट विदाउट रेन। दैट मीन्स यहाँ पे बोलने की कोशिश करी है कि रूल ऑफ अ जस्ट किंग, जस्ट किंग यानी एक सही राजा हमारे लिए तो वही हो सकता है, वही माना जाता था कि जो एज ऑफ प्लंटी दे सके, यानी लाइक अ हेवन बना दिया उन्होंने, एंड वो पॉसिबल नहीं है विदाउट रेन। अगर पानी वहाँ पे नहीं है तो वो हेवन नहीं बना सकते, लेकिन अगर हेवन बनेगा तो दैट मीन्स आप क्या करेंगे, वहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड कराएंगे अपने पीपल्स के लिए। तो उनका जो टाइम पीरियड है, यानी कोई रूल है, तो उसको जस्ट ऑफ किंग जब माना जाएगा, फेमेबल और अच्छा किंग जब ही माना जा सकता है, जब वो सभी चीज़ें उनको अपनी जनता को प्रोवाइड करा सकें, स्पेशल में अगर हम कहें वाटर, क्योंकि वाटर अपने आप में ही एक प्रीशियस है, वैल्यूएबल है, क्योंकि अगर वाटर है तो हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं और जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ होती है विदाउट वाटर नहीं हो सकती। तो सबसे पहले टेंपल्स, आफ्टर द टेंपल्स जो किंग था उनका मोटिव था कि वाटर्स, तो ये दो चीज़ें एक साथ उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी कि जगह टेंपल हैं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वायर्स बनाए, यानी पानी को उन्होंने ऐसे इस तरीके से इकट्ठा करके दिखाया, और ये सब अपना उनको प्रेज दे रहा था, यानी उनकी प्रशंसा बढ़ा रहा था। तो मोस्टली आपने देखा होगा जब वो टेम्पल्स के पास में ऐसी रिजर्वायर्स और टैंक आपने ज़रूर देखी होंगी, ये मेन पर्पस ही ये था कि जो जनता की ज़रूरत को पूरा करने के लिए और फेम गेट करने के लिए रूलर्स और सुल्तान ये कर रहे थे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लें सुल्तान इल्तुतमिश का, जो एक यूनिवर्सल रिस्पेक्ट गेट करने में सक्सेस रहते हैं, कंस्ट्रक्टिव अ लार्ज रिजर्वायर उन्होंने बनाई थी
दिल्ली के खुआना के पास में ही हौज़ ए सुल्तानी यानी किंग्स रिजर्वायर, जिनको राजा की रिजर्वायर कहा जाता है, तो जो ये हौज़ ए सुल्तानी बनाई थी, तो ये मीन्स है कि वहाँ पे उनकी मॉस्क्यू है, मॉस्क्यू के पास उन्होंने क्या बनाया है, रिजर्वायर बनाया है, वाटर भी बनाया है लाइक दिस, जैसे कि आप ये गुरुद्वारा, गुरुद्वारे के पास आपको ये वाटर दिखाई दे रहा है। कैन यू फाइंड द मैप, आप इसे मैप में देखेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे कि ये दिल्ली एक खुआना के पास में ही ये हौज़ ए सुल्तानी बनी हुई है। एंड रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्ट टैंक्स, रिजर्वायर्स बिग एंड स्मॉल फॉर यूज़ बाय ऑर्डिनरी, और इसी तरीके से जो रूलर्स थे वो अपना कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, छोटे या बड़े जिस भी तरीके से वो बना रहे थे, ऑर्डिनरी पीपल्स उनको यूज़ कर रहे थे ताकि वो यूज़ भी कर सकें। एंड समटाइम दीज टैंक्स, रिजर्वायर्स वॉज पार्ट ऑफ अ टेम्पल्स का ही पार्ट हुआ करते थे, ये वहीं पर बनाए जाते थे। और मॉस्क्यू हो गए, तो जैसे जामी मस्जिद में आप देख सकते हैं स्मॉल टैंक बना हुआ है, जैसे कि आपकी बुक की पिक्चर में यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो कि यहाँ पे है और बीच में ही सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही एक हर टेंपल में, या हम गुरुद्वारा ही कहें, जैसे यहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ है, गोल्डन टेम्पल है, तो अमृतसर में ये एक एग्ज़ाम्पल है कि किस तरीके से बनाया जाता था स्मॉल टैंक, और जामी मस्जिद में बनाया गया है, टेम्पल्स में बनाया जाता था, ए प्लेस ऑफ वॉर्शिप एंड कॉन्ग्रेशन फॉर द सिख, कॉन्ग्रेशन यानी टुगेदर ऑफ द पीपल, किस तरीके से लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं वॉर्शिप करने के लिए गुरुद्वारा में। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं, मेन टारगेट क्या था, चाहे वो मुग़ल एम्परर थे या फिर हम कह सकते हैं हिंदू थे जो रूलर थे, मेन उन्होंने डीमोनेस्ट्रेट करना था किसका, डिवोशन ऑफ पैट्रोन, पावर, वेल्थ का। और मॉस्क्यूज़ और टेंपल्स ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, टैंक्स बनवाना या टेंपल्स बनवाना या मॉस्क्यूज़, ये सारा उनका एक जिसे कह सकते हैं एम्फेसाइज़ करना, देयर मोरल राइट टू बी अ रूलर्स, वो चाहते थे, किंग्स वांटेड के भाई ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और लीगली वो अपने आप को क्या कंसिडर करते थे, अपने आप को गॉड अपीयर कराना या फिर उनके जैसे ही शैडो ऑफ गॉड कहना। तो डिफरेंट डिफरेंट का बर मेन ही मोटिव होता था, सेम ही चीज़ होती थी चाहे पर्सन कोई भी आए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे वॉयवर टेम्पल टारगेटेड। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।